के मित्र परिवारगण को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। और आज आप लोगों के साथ एक फॉर्मल इंटरेक्शन प्लस 2020 में रायपुर पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ की गई थी, रायपुर पुलिस टीम, पूरे थाने, सीएसपी, एडिशनल एसपी और बाकी अन्य स्टाफ द्वारा, उनको लेकर के एक जनरल ब्रीफिंग का एक आयोजन रखा गया है और दूसरा उसके साथ साथ नववर्ष मिलन के रूप में। जनरल मैं पहले एक बार बोल दूं जो है मेरे पास, उसके बाद अपन इंटरेक्शन कर लेंगे। तो उसमें यह है कि कुछ जो हम लोगों ने हाईलाइट किए हैं पॉइंट, वो जो हम मान रहे हैं वो ये है कि जो बड़े और गंभीर किस्म के अपराध हैं उसमें हमारा ये मानना है कि कमी आई है। रायपुर पुलिस की जो भी मुस्तैदी और व्यावसायिक प्रोफेशनल रूप से कार्य करने के कारण अपराध के आंकड़ों में थोड़ी कमी हम लोगों ने देखी है। इसका चार्ट हमने बनाया हुआ है, ये प्रिंट दे रहे हैं, ये चार्ट अपन ने बनाया हुआ है। इसमें हत्या, गैर इरादतन हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, इस तरह के महिला विरुद्ध अपराध जो हैं, इन सभी को जिसको कि किसी भी पुलिस जिले में महत्वपूर्ण अपराध माना जाता है, जिनके पीछे तत्काल प्रयास करने के निर्देश होते हैं, एसआर केसेस बोला जाता है, स्पेशल रिपोर्ट केसेस, उन सभी में कमी आई है। और उसमें संपत्ति संबंधी जो अपराध हैं उसमें जो बरामदगी का प्रतिशत है, एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से पैमाना होता है जिले की पुलिस के माप करने के लिए। ठीक, मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। उस पैमाने पे अगर हम देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव प्रदर्शन रहा है। अपराधों के निकाल के संदर्भ में अगर मैं बताना चाहूँ तो हत्या के लगभग सभी अपराध जो हुए हैं विगत वर्ष, उसमें सभी अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। और पूर्व वर्ष के कुछ केसेस थे जिसमें गिरफ्तारी की गई है, यद्यपि 3-4 केसेस अभी भी बचे हुए हैं जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी करनी शेष है। डकैती के सभी मामलों का खुलासा हुआ है, हालांकि टेक्निकल किस्म के रहे हैं, बड़े कोई भी केस नहीं हुए हैं। और 74% जो संपत्ति है लूटी गई उसको बरामद किया गया है। 2020 में लूट के 55 प्रकरण हुए थे, उसमें 49 प्रकरण में गिरफ्तारी और 75% सामान जो है बरामदगी की गई है। उसकी तुलनात्मक हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है 2019 की तुलना में, ये दोनों है केसेस भी और जो बरामदगी का प्रतिशत है वो हमारा अच्छा रहा है। सिमिलरली नकबजनी का जो केस रहा है 2020 का, उसमें भी हम लोगों ने बड़े आरोपियों की जो भी गिरफ्तारी कर ली है और बरामदगी की गई है, 2019 में 42% की तुलना में 56% माल मसलू का जो है पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। सिमिलरली चोरी के जो बड़े केसेस थे सॉल्व हुए हैं, 4 या 5 केसेस अभी भी हम लोगों के रडार में हैं जो सॉल्व करना शेष है और पुलिस टीम उसके लिए लगी है। बरामदगी 35% से बढ़ करके 52% हुई है 2020 में। महिला संबंधी अपराधों में तत्काल गिरफ्तारी का प्रयास करके अभियोग पत्र के हम लोगों ने केस न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। 15 दिवस के भीतर कुल 9 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इसमें अधिकतर पॉस्को एक्ट लगे हुए केसेस थे, माइनर के साथ जहां पे हुआ है वहां पे किया है एंड एज फास्ट एज आई थिंक 3 दिन में भी किसी थाने में चालान किया है। और बलात्कार के 17 जो प्रकरण थे 2020 में, कुछ ऐसे थे जिसमें 2016 से लेकर 2020 तक के प्रकरण थे, आरोपी फरार चल रहे थे, उसमें स्पेशल टीमें बना करके देश के विभिन्न भागों से आरोपियों को लाया गया है 17 प्रकरणों में। और धारदार हथियार से जो किए जाने वाले टोटल अपराध अगर अपन देखेंगे, चाकूबाजी से थोड़ा इतर, जिसमें कि हथियार धारदार का यूज़ होता है और वो चीज़ आती है, वो कैटेगराइज कराने की कोशिश की है, 2019 में 310 केसेस हुए हैं, 2020 में 241 केसेस हुए हैं, इसमें कमी आई है। चाकूबाजी के केसेस में यद्यपि आंशिक वृद्धि हुई है, जिसपे लगातार ऑपरेशन क्लीन हम लोगों ने लास्ट 2-3 महीना हो गया उससे चला रहे हैं और उसके पश्चात काफ़ी कमी आई है। उसमें मूल रीज़न ये रहा है कि कुछ केसेस जो 324 से 326 की धाराओं के भीतर रजिस्टर किए जाते हैं, तो विगत समय में कोरोना की स्थिति के कारण वहाँ पे न्यायालय से बेल मिलने में उनको आसानी हो रही थी, तो पुलिस का फोकस ये था कि यदि धारदार हथियार का उपयोग किया है और वाइटल पार्ट में थोड़ा भी चोट आई है तो जनरली उसको हम लोगों ने हत्या के प्रयास में बुक किया है। इसलिए हत्या के प्रयास के केसेस, यद्यपि टोटल केसेस कम रहे हैं लेकिन केसेस इन जनरल बढ़े हैं और ऐसा लगा कि केसेस ज़्यादा हुए हैं। टोटलिटी में केसेस ज़्यादा नहीं हुए हैं बट स्पैन ऑफ दी ऑकरेंस था वो छोटा था, इसलिए केसेस उस बीच में अपने को ज़्यादा लगे थे।
उसके साथ साथ लघु अधिनियम का जो एक और होता है एरिया, जिसमें ये माना जाता है कि प्रतिबंधात्मक और लघु अधिनियमों पे अगर हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं, इसमें सभी का सहयोग रहता है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स हम लोग को मिलती रहती है इंक्लूडिंग मीडिया, उस इन्फॉर्मेशन पे अगर रिस्पॉन्ड करते हैं प्रॉपरली तो बड़े अपराध होने की गुंजाइश कम होती है। वैसे केसेस में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी कुछ रहा है ठीक ठाक। इसमें इलिसिट लीकर और नशा के विरुद्ध एक काइंड ऑफ अभियान चलाने का प्रयत्न किया गया था और ये दोनों इस साल भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है पूरी टीम के द्वारा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम लोग और लगातार इस पे कार्रवाई करेंगे। इसके डेटा अवेलेबल हैं, 2019 की तुलना में 2019 में लगभग 5467 लीटर अवैध शराब बिक्री और यूज़ होती हुई पकड़ी गई थी, उसी की तुलना में 2020 में पूरे वर्ष में 10203 लीटर शराब अवैध शराब पकड़ी गई है। लगभग ये 100% ग्रोथ है, मतलब टोटल का दुना हम लोगों ने सीज किया है, और उसमें भी 34-2 के केसेस जो नॉन अवेलेबल केसेस हैं वो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा रजिस्टर किए हैं। और नशे के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसमें गांजा, हेरोइन, अफीम, कोकीन, MDMA, ब्राउन शुगर, चरस, ये एक कैटेगरी है जिसमें लगातार कार्रवाई हुई है और पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं। गांजा का ही एक 388 किलोग्राम पिछले साल मतलब 2019 में जब्त किया गया था, जबकि 2020 में 1545 किलोग्राम गांजा रायपुर पुलिस द्वारा किया गया है। हेरोइन, अफीम, कोकीन, MDMA में 2019 में निरंक थी, कोई कार्रवाई नहीं थी, इस साल जरूर 2020 में हुई है और पकड़ा गया है। और सिमिलरली अदर कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और डोडा, इन सभी को भी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने पकड़ा है। सिमिलरली प्रतिबंधात्मक में जुआ सट्टा सबसे प्रमुख रहते हैं, जिसपे कार्रवाई के लिए उम्मीद की जाती है कि सही ढंग से कार्रवाई की जाएगी। उसमें 2019 में जुआ अधिनियम में जो केसेस किए गए थे उसमें 57,79,262 रुपीज़ का जब्ती हुआ था, जबकि 2020 में 94,48,373 की जब्ती की गई है, लगभग दुने के आसपास है, 90% से अधिक है। सिमिलरली सट्टा के केसेस भी ज़्यादा रजिस्टर किए हैं दुने के अधिक पिछले बार की तुलना में, और 14,02,559 रुपये की जब्ती 2019 में हुई थी, 2020 में 35,30,497 रुपये की जब्ती की गई है, लगभग 120% का इसमें ज़्यादा कार्रवाई की गई है। एंड आई होप कि ये ट्रेंड 2021 में भी ज़्यादा रखने का प्रयास किया जाएगा। गुंडा और असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई ये एक प्रमुख रखा गया था, क्योंकि अगर क्लीनिंग करनी है तो ऐसे लोगों को आउट ऑफ सर्कुलेशन करना पड़ेगा जो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधक तत्व के रूप में है। इसमें अभी लगातार कार्रवाई जारी है, आने के बाद अभी विगत वर्ष में टोटल अगर देखेंगे तो 76 नए गुंडा फाइल खोले गए हैं, 76 इनकी कंटिन्यूस स्क्रीनिंग और इनके पूरे डिटेल लिए गए हैं, इंक्लूडिंग दी एक्टिविटी एंड वेयर अबाउट्स के जो डिटेल होते हैं वो सारे लिए गए हैं, और 37 नए निगरानी बदमाशों की फाइल खोली गई है, और इस वर्ष में भी अभी कुछ शुरू हो चुकी है, वो आने वाले समय में बता देंगे। 2 बदमाशों का रासुका के लिए प्रतिवेदन भेजा गया है, 1 पे ऑलरेडी किया हुआ है विगत वर्ष का, उसको अभी फिर 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है, और 2 नए खोले गए हैं केसेस, जिसमें नामी बदमाश जितने भी हैं जिनके नाम आ रहे हैं उन सभी के नाम शामिल हैं। और इसी प्रकार से जिला बदर की कार्रवाई के लिए 4 का प्रतिवेदन भेजा जा रहा है, और नए और पुराने जितने भी हिस्ट्री शीटर और बदमाश हैं उस पर निगरानी जारी है, और थाना प्रभारियों को गंभीरता से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उसमें ये भी रखा गया है कि इनमें से निगरानी के दौरान अगर कोई भी गतिविधि प्रकाश में आती है तो उनको हम लोग फिर से स्क्रीन करें, और उनके खिलाफ अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज़िला बदर और रासुका में भी लिया जा सकता है, अगर कोई बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो। और इसी प्रकार से बाकी जो NDPS से रिलेटेड और आर्म्स एक्ट वगैरह के केसेस हैं ऑन इन्फॉर्मेशन बेसिस पे लगातार जारी हैं, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और शॉर्ट में थोड़ा सा सामुदायिक पुलिसिंग का जो क्षेत्र जिसको हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया है, और आई होप कि उसमें काफ़ी कुछ करना शेष है और इस साल हम लोग उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे। उसमें साइबर ठगी की घटनाएं यहाँ पे काफ़ी हो रही हैं, जिसमें संज्ञान में लेकर के कई केसेस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, और कुछ केसेस सॉल्व करने की प्रक्रिया में है, कुछ में टीमें बनी हुई हैं। उसमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो साइबर संगवारी का भी 2 इनॉग्रेट कराने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कोतवाली थाने के इनॉग्रेशन के दिन ही उसका भी किया गया था, और उसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ और एरिया में बस्ती में लोगों को भेजेंगे, जागरूक करेंगे और लोग को जोड़ेंगे। तो विगत वर्षों में कुछ प्रोग्राम किए गए हैं, इसके लिए एडिशनल SP शहर नोडल हैं,
उसके साथ साथ यातायात के नियमों के जागरूकता के हेतु ट्रैफिक मितान और जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें अच्छा सहयोग मिला है। काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने सर्टिफिकेट बांटे हैं ट्रैफिक मितान के रूप में रायपुर वासियों को डिक्लेयर करके, उसमें सभी वर्गों के लोग हैं और इस साल भी उसको आगे बढ़ाएंगे। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार बुजुर्गों की सहायता हेतु समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, उसमें यद्यपि एक या दो बैठकें बुजुर्गों के साथ हुई हैं, कुछ कार्यक्रम हुए हैं, काफ़ी कुछ किया जाना है जिसको इस साल आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस स्टाफ हेतु पर्याप्त मात्रा में स्पंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और विभिन्न प्रकार के आयोजनों में जो जिस प्रकार से गुजारिशें बोल सकते हैं, ट्रांसफर्स के रिक्वेस्ट और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन सभी का हम लोगों ने इसमें निपटारा किया है। हाल ही में जो किए गए ट्रांसफ़र हैं हवलदार और सिपाहियों के, ये स्पेशली इन्हीं जगहों पे लिए गए आवेदन और मेरे पास सबमिटेड आवेदन के आधार पे पूरे किए गए हैं, सो दैट कि स्टाफ भी अपने मनचाही जगह पे काम कर सके और ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के काम कर सके। एक अभी ट्रायल बेसिस पे खाकी आईज का भी शुरू किया हुआ है, वो ट्रायल पे है, उसको इस साल हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। एक थाना से आज़ाद चौक में हम लोगों ने कोशिश किया था किसी एक मोहल्ले पे कि लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो उसकी सूचना हमको दें और वो सूचना हम लीक ना करते हुए कार्रवाई करें। उसमें कई सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, उसको इस वर्ष हम लोग आई थिंक निराकरण करेंगे और अगर सक्सेसफुल हुआ तो एक थाना, फिर दो थाना, फिर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली ओपन करने में थोड़ा सा उसमें हिच है। उसके साथ साथ एक और प्रोग्राम अभी सोच रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए, जो अपने यहाँ जागरूकता जो कहना चाहिए बढ़ाने के लिए, संवेदनशील लोगों को करने के लिए, प्लस जो अपने यहाँ जो स्पॉट्स, पिकनिक स्पॉट्स वगैरह डेवलप हुए हैं वहाँ पे महिलाएं जा रही हैं, उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं। एक काइंड ऑफ पहले भी रही हैं रक्षा टीमें और ये सब रही हैं, काम करती हैं, हर स्पॉट के नाम पे हम लोग एक बनाना चाह रहे हैं। इस साल उसको हम लोग उसमें करेंगे, उसमें उनके पास व्हीकल वगैरह सब होंगी और वो टीमें थोड़ी इंडिपेंडेंट होंगी, सिर्फ महिला की जो छेड़छाड़ या ईव टीजिंग वगैरह की जो बातें आती हैं उस पर क्विक रिस्पॉन्स करेगी, थाने के साथ साम्य में रहेगी, महिला थाना से उसको नोडल वगैरह बना करके किसी महिला अधिकारी के सुपरविजन में उसको हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक नया कार्यक्रम है इस साल के लिए और उसके साथ साथ ई चालान एट्सेट्रा के माध्यम से लगभग 1 करोड़ से अधिक का इन लोगों ने, ट्रैफिक ब्रांच ने किया है और महिला थाने में लगभग 1162 शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसमें 641 प्रकरणों में काउंसलिंग के बाद समझौता हुआ है और परिवार जिसको बोलते हैं परिवार सेटल किया गया है, वो लोग रहने के लिए तैयार हुए हैं। तो ये कह सकते हैं 641 केसेज ऐसे रहे हैं जिसमें मतलब सेटलमेंट हुआ है एंड द वुमन इज़ नाउ लिविंग विद द फैमिली, तो एक तरह से फैमिली इन लोगों ने बसाने में सफलता पाई है 641 केसेस में। बाकी और केसेस में अभी डिस्कशन चल रहे हैं, उसमें से कुछ 101 केसेस होंगे जिसमें केसेस रजिस्टर करने की स्थिति है। और शुरू में इसी प्रकार से एक घरेलू हिंसा को नियंत्रित करने के लिए चुप्पी तोड़ अभियान चलाया गया था, उसके डेटा का अवलोकन कर रहे हैं, उसमें फिर उसको जो हम लोग अभी अपना जो टीम बनाएंगे उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करके देखेंगे कि आने वाले वर्ष में और कितना अच्छे से कर सकते हैं। बाकी कोविड के समय में भी लगातार पुलिस टीम ने काम किया है आप लोगों के सहयोग से और जो भोजन वितरण वगैरह का काम है और लेबर्स को जो हेल्प करना है उसमें रायपुर पुलिस ने अच्छा काम किया था और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टीम में जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है, मेडिकल टीम है, उनको हम लोगों ने मदद करी थी एंड दैट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड। उसके साथ साथ अभी अगर देखेंगे तो टोटल पुलिस के 352 अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हुए थे इस पूरे अवधि के दौरान और उसमें से हमारे ज़िले के 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है कोविड में। अपने फिर भी पुलिस ने अपने दायित्वों का निर्वहन लगातार किया है। कुछ चर्चित अपराध हैं जिनकी लिस्ट इसमें है, पुलिस को जो सफलता मिली है, प्रवीण सोमानी अपहरण कांड जिसमें उसकी बरामदगी सबसे प्रमुख है, फिर पंकज बोथरा हत्याकांड में है, देवेंद्र नगर के टिम्पर व्यापारी से जो लूट हुए हैं और सोमानी वाले में भी अभी प्रयास कर रहे हैं, कोई एक आरोपी बचा हुआ है उसके लिए इस साल आई थिंक उसको हम लोग पकड़ लेंगे अगले 2-1 महीने में। और माना में चोरी सॉल्व हुई थी शराब दुकान में 28 लाख की, सिविल लाइन के अंतर्गत जो ठगी का गिरोह था वो पकड़ा गया था, अंतर्राज्यीय ट्रक लूट गिरोह उरला में लोन और फाइनेंस के नाम पे, मौधापारा में 67 लाख रुपए की जो चोरी हुई थी उसका पूरा आरोपी पकड़े गए थे और खुलासा हुआ था, खमतराई में मैक्स इंश्योरेंस के नाम पे ठगी करने वाले गिरोह का, सिमिलरली जो कोतवाली और आज़ाद चौक में जो नशे का नेटवर्क तोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, MDMA और कोकीन जैसे ड्रग्स पकड़े हैं और उसमें नाइजीरियन भी पुलिस ने पकड़ा था और दूसरे लिंक में भी अभी लगातार काम चल रहा है, उसमें भी अभी हम लोग आने वाले समय में कुछ ना कुछ और आरोपी पकड़ेंगे। गुल्लू में शराब दुकान जो आरंग में हुआ था उसमें से भी पुलिस ने सॉल्व किया है, जमीन खरीद फरोख्त में फर्जी दस्तावेज बनाने का केस आया था उसको पुलिस ने सॉल्व किया है,
राजेंद्र नगर में 16 लाख का अफीम और डोडा चूरा वगैरह पकड़ा गया था। खमतराई में फेसबुक पे दोस्ती करके लगभग 7 लाख से अधिक की रकम ठगी करी थी। नाइजीरियन उसमें 2 पकड़े गए थे, गिरोह को पकड़ के सॉल्व किया है। मंदिर हसौद में जो नकबजनी हुए थे वो गिरोह को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। एटीएम मशीन में घूम घूम कर छेड़छाड़ करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को हरियाणा से पकड़ने में सफलता मिली है। इसी प्रकार से जो पत्थर गिरोह के सदस्यों को हम लोगों ने अभी एक चूने मकानों में चोरी करने वालों को टांडा धार जिला से पकड़ के लाए हैं। और शादियों में आकर के जो चोरी करने वाला एक गिरोह है अंतर्राज्यीय, वो भी चोरी करता है, उसमें से एक सदस्य को राजगढ़ से पकड़ने में कामयाबी मिली है। और उसके साथ साथ छोटे छोटे और भी कई बहुत सारे केसेस हैं जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। और ये केसेस आई थिंक जितने भी बड़े केसेस हैं जिनके डिटेल्स हैं, आई थिंक उसको अपन ब्रीफ है अपन शेयर कर देंगे, और कुछ अगर इसमें लगेगा तो फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं। पानी का बोतल दे दो। उसका करेंगे, उसमें शुरू में एक चला था और वो बेसिकली देखिए अभी क्या है, वो परिस्थिति के आधार पे था। चुप्पी तोड़ इसलिए था कि उस समय लोग आ नहीं पा रहे थे और कोविड में लोगों को आने जाना अलाउड नहीं था। उस संबंध में ये तत्कालीन समय में तय किया गया था कि पुलिस टीम ही चली जाएगी, महिला थाना में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है पुलिस टीम जा करके करेगी। अभी की स्थिति में अभी वो बदल गई है, अभी लोग मतलब आने जाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए अभी ये चीज़ है कि 2-3 चीज़ों को क्लब करके एक साथ चलाएंगे। आई मीन एनीथिंग जहाँ पे कहना चाहिए कि अगर हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, किसी महिला का कंप्लेंट आ रही है, कंप्लेनेंट है, उसके कंप्लेनेंट को हम जाके एड्रेस करें या वो आके एड्रेस हो जाए, मेनली ये है। इस बार फोकस ये है कि उसको किसी भी तरह से सॉल्व करें, उसके शिकायत को एड्रेस कर लें हम लोग, तो कर सकते हैं। नाम से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा, 2019 में 2146 घटनाएं हुई थी टोटल, उसकी तुलना में 2020 में 1766 घटनाएं हुई हैं। और 2019 में 458 लोग मरे थे उन सड़क दुर्घटनाओं में, 2020 में 482 लोग मरे हैं। मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है। टोटल घटनाएं यद्यपि 15% कम हुई हैं लेकिन मृतक 5% बढ़े हैं। और घायलों की संख्या में थोड़ी सी कमी आई है, 1581 लोग विगत वर्ष में घायल हुए थे, इस वर्ष 1294 लोग घायल हुए हैं। तो आई थिंक इसमें भी हम लोग अभी और स्ट्रैटेजी बना के प्रयास करेंगे। अभी एक महीने के लिए नया निर्देश आया है जिसके तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे पहले होता था, माह मनाना है सड़क सुरक्षा, तो उसमें हम लोग और जो एनजीओज हैं और बाकी संगठन हैं प्लस ट्रक वगैरह के जो एसोसिएशन हैं उन लोगों से भी कुछ अभी प्लान कर रहे हैं कि एक अच्छा प्रोग्राम हो और जागरूकता का कार्यक्रम यातायात वाला और उसके संदर्भ में जितनी भी चीज़ें हैं वो लगातार हम लोग चला सकें। उसमें देखिए मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी देने का नियम है, वो उसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। थाना प्रभारी अगर अपने क्षेत्र के जो किरायेदार देने वाले लोग हैं उनसे अगर जानकारी ले ले तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ डेटा मिल जाएगा। वैसे अगर देखोगे तो चोर गिरोह प्लस चोरी करने वालों का हमारा जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच है जो पुराने से चलता रहा है, गंज का ऑफिस है, मैंने इनकी फाइल देखी है, इन लोगों ने दिखाया एडिशनल साहब ने, काफ़ी मात्रा में हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। सो आई थिंक उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसा नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्यूमेंट है एंड दैट इज़ वाई जो बाहर के केसेस हैं आप देख लीजिए सॉल्व हो जा रहे हैं। जो नए किस्म के चोर हैं, छोटे जो जैसे नशा खा के या इस तरह के बच्चे किस्म के या नाबालिग से जस्ट बालिग हुए उस तरह के चोर हैं जो नए आ रहे हैं, वो डेटा अपडेट करना है, वो हमारे पास अभी उसको करने की ज़रूरत है। वर्ष 2020 में पूरी अगर हम लोग आंकड़ों का एनालिसिस करेंगे तो रायपुर पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक रही है और 2019 की तुलना में सभी बड़े गंभीर अपराधों में कमी आई है। उसके साथ साथ संपत्ति संबंधी अपराध जितने भी हैं, लूट डकैती और नकबजनी और चोरी के अपराधों की संख्या भी कम हुई है तथा बरामदगी का प्रतिशत 2019 की तुलना में लगभग 1.5 से अधिक रहा है। और इसी प्रकार से लघु और प्रतिबंधात्मक अधिनियमों के तहत कार्रवाई पर्याप्त मात्रा में की गई है और जुआ और सट्टा के जो प्रकरण हैं उसमें लगभग दोनों प्रकरणों में मिलाकर 1 करोड़ के अधिक की राशि की जब्ती भी की गई है और नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा और 10,000 लीटर से अधिक की अवैध शराब जब्त की गई है। उसके साथ साथ थाना कोतवाली क्षेत्र में जो MDMA और कोकीन का नेटवर्क चल रहा था उसको ध्वस्त किया गया, उसमें लगभग 17 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और उसी प्रकार से एक अन्य केस है जिसमें विवेचना जारी है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
आने वाले वर्ष में भी पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। नशे के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी एवं साइबर संबंधी जो अपराध हो रहे हैं उनको सॉल्व करना एवं उस संबंध में जागरूकता फैलाना ये इस साल प्राइम फोकस रहेगा पुलिस का। उसके साथ साथ जो सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में नशा के विरोध में जो कार्य किया जा रहा है वो कंटिन्यू करना एवं साइबर संगवारी, ट्रैफिक मितान और महिलाओं की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड हर स्क्वाड के नाम पे एक टीम, स्पेशल टीम बनाए जाने को हम लोगों ने प्रस्ताव में रखा है और उसको आगे जारी रखेंगे। आई होप कि आने वाले समय में भी पूरी पुलिस टीम मिल करके बहुत अच्छे से काम करेगी, 2021 में भी प्रोफेशनल तरीके से काम करके सफलता को प्राप्त करेगी।